सो हेलो गाइस, दिस इज मी नॉन स्टॉप सनी। और आप लोगों को जैसे पता है कि BMW आ चुकी है और राइड्स भी होती जा रही हैं, सो उसी के साथ अब बाइक को अपडेट करने का टाइम आ चुका है। और जैसे कि अभी पता है कि BMW की जो सर्विस है वो आ रही है, तो उसी के साथ हम उसमें कुछ इंस्टॉल करने वाले हैं, कुछ कुछ चीज़, और उस बाइक को अपडेट करेंगे। तो अभी मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये है R&D की टेल्ट ID जो कि BMW के लिए आई हुई है। इसे मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ, और जिसकी कॉस्ट पड़ती है अराउंड 12,500 रुपीज़ इसकी कॉस्ट पड़ती है। और ये इसके साथ में कुछ और भी पार्ट्स हैं, सबकी अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ। तो ये सबसे पहले हम टेल्ट ID देखते हैं कि टेल्ट ID किस टाइप की है। कुछ ये पीसेस आए हुए हैं जो हमें लगेंगे, हेल्प करेंगे काफ़ी। और सबसे पहले हम टेल्ट ID देखते हैं कि टेल्ट ID किस टाइप की है, और जब ये लगेगी तो कैसी रहेगी। आप देख सकते हो कि बहुत ही खूबसूरत टेल्ट ID है, बिल्कुल स्टॉक इंडिकेटर इसमें फिट हो जाएंगे, और हमारी जो बैकलाइट है वो भी इसमें आ जाएगी। तो टेल्ट ID आपने देख लिया, और इसे अब मैं दिखाऊंगा डायरेक्ट सीधा आपको जब हम इसका फुल ब्लॉग अपलोड करेंगे, जिसमें एक एग्जॉस्ट भी रहेगा जो कि हमारे पास आने वाला है। तो सब एक साथ मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी हम ये देखते हैं और दूसरा बॉक्स उठाते हैं हम। तो टेल्ट ID तो आपने देख लियो, अब कुछ और चीज़ की बारी है। तो ये विंगलेट, विंगलेट का नाम काफ़ी बार हमने और हम सब ने सुना होगा। तो अभी हम इसके विंगलेट्स देखते हैं कि किस टाइप के आए हुए हैं। तो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम जाती है डिब्बे वगैरह खोलने में, पर ठीक है, आपका भाई हूँ, सब चलता है। सो ये जो विंगलेट्स हैं ये प्यूज कंपनी के हैं, और ये और इसकी कॉस्ट होगी 17,000 रुपीज़ के ये पड़ते हैं। तो ये बने हुए हैं PVS प्लास्टिक पे, ये बने हुए हैं। तो आप इन्हें देखते हैं, मैं एक ही आपको अनबॉक्सिंग टाइप करके दिखाता हूँ। अनबॉक्सिंग नहीं बोलेंगे, अनबॉक्सिंग हम उस दिन करेंगे जिस दिन हमारा ये इंस्टॉल होना होगा, क्योंकि स्क्रैचेस या कहीं हाथ लगते हैं तो एक डॉट्स वगैरह आते हैं। तो उसके लिए हम अभी सिर्फ आपको एक छोटा सा इसका पार्ट दिखाते हैं, बाकी हम इसमें बाद में देखेंगे। बाकी पैकेट के ऊपर से मैं आपको सब दिखाऊंगा। तो ये आया हुआ है, आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत है। और बाइक में लगने के बाद तो ये मतलब अलग ही कहर करेगा, ऐसा लगेगा जैसे प्लेन के विंग्स लग गए हों। तो अभी और भी पार्ट्स देखते हैं इसके क्या क्या आए हैं, तो बने रहो मेरे साथ। और ऐसे ही नया नया नॉलेज और कुछ कुछ ये इसके टूल्स होंगे मुझे लगता है। और ये एक और है, और ये कुछ और है, ये है। तो ये सब लगने के बाद बहुत ही गाड़ी को मतलब टोटल लोडेड कर देंगे, और मज़ा आएगा बाइक, क्योंकि वैसे तो BMW वैसे ही बहुत प्यारी बाइक है, पर इसके बाद पता नहीं क्या होगा। वो तो लगने के बाद आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि बाइक लग कैसी रही है, और आगे देखते हैं और क्या क्या है। सो ये हो गया हमारा पार्ट इसका कंप्लीट। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक छोटी सी चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये है फोटो लाइन का हमारा चेन ल्यूब और क्लीनर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये हॉलैंड से आया हुआ है। सो इसे हम बाहर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये क्या है। तो ये है इसका चेन क्लीनर, और इसकी खासियत अब मैं आपको बताता हूँ। इसकी खासियत ये है कि अभी तक हमने जितने भी चेन ल्यूब या फिर जो भी हमने यूज़ किए वैक्स पॉलिश कुछ भी चेन के लिए यूज़ किए हैं, तो वो हमें हफ्ते में या 500 किलोमीटर में यूज़ करना पड़ता था। इसकी खासियत है कि ये हमें सुपर बाइक्स के लिए, स्पेशल सुपर बाइक्स के लिए मैं आपको बताता हूँ। ये इसकी खासियत है कि ये 1500 किलोमीटर चलता है और इसमें डस्ट नहीं चिपकती है। तो आप इसको बिल्कुल सुपर बाइक्स पे यूज़ कर सकते हो, और अपनी KTM पे भी यूज़ कर सकते हो, वैसे तो ये BMW के लिए, लेकिन सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और हमेशा यूज़ करो तो गाड़ी के लिए भी बेटर होगा और आपके लिए तो है ही है। सो इसी के इसको भी आज हम करते हैं साइड। और एक सबसे बड़ी चीज़ हमारी जो एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो एग्जॉस्ट जो आने वाला है उसका भी मैं अनबॉक्सिंग करूंगा और वो भी दिखाऊंगा आपको। और सीधा डायरेक्टली फिर मैं आपको जब ये सब हम इंस्टॉल करेंगे एक साथ, जब हमारी सर्विस होगी, तो उस दिन हम आपको पूरा का पूरा एक फुल गाड़ी का वॉक अराउंड देंगे। तो अभी जो हमारा ये वाला पार्ट था ये हो चुका है साइड, और अब हम आते हैं आगे। तो आगे जो होने आने वाला है वो आने वाला है एग्जॉस्ट, और एग्जॉस्ट जो है वो कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्रा का एग्जॉस्ट आने वाला है, तो अभी आप गैस करो कि एक्रा का कौन सा एग्जॉस्ट है। एक हिंट देता हूँ, बहुत ही लाउड एग्जॉस्ट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कौन सा एग्जॉस्ट हमारा आ रहा है। तो संडे को हमारी जो बाइक है उसकी सर्विस है, तो सर्विस है तो मैं कोशिश करूँगा कि उसका जो व्लॉग है वो उस दिन अपलोड करूँ, लेकिन मैं इस लाइन में नया हूँ और थोड़ा सा एडिटिंग में टाइम लगता है, तो
अगर संडे नहीं तो हम मंडे इसको पक्का जरूर आपके लिए, मंडे को हम कोशिश करेंगे मंडे को ये अपलोड हो ही जाए और आपके लिए ये मिले, तो मंडे हम इसको जरूर करते हैं। और एग्जॉस्ट और सर्विस दोनों का मैं आपके लिए एक व्लॉग बना के उस पर अपलोड करता हूँ। तो आज का जो हमारा व्लॉग था वो काफ़ी छोटा, अब मुझे अब ये एडिटिंग के बाद पता चलेगा कि कितना देर के लिए जाएगा, तो पर जो हमारा ये वीडियो व्लॉग था ये काफ़ी इम्पोर्टेंट व्लॉग था, क्योंकि इसमें छोटी छोटी डिटेल्स थी जैसे टेल टाइडी की, विंगलेट्स की और चेन ल्यूप क्लीनर की थी, तो आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इसी के टाइप छोटे छोटे नॉलेज के लिए मेरे साथ बने रहो। दिस इज़ मी नॉन स्टॉप सनी साइनिंग ऑफ।